Hello students, welcome back. This is Dr. Nupur and in this video we are going to start with the tissue system. हमने अपने previous lectures में discuss करा है about the simple tissues and the complex tissues. अब हम बात करते हैं tissue system की. Tissue system basically क्या होता है? देखिए, बहुत सारे cells मिलकर यानी group of cells मिलकर क्या बनाते हैं? Tissues. And group of tissues मिलकर क्या बनाते हैं? Tissue system. Which works as a unit to perform a particular function. Now, there are three types of tissue system. First is the epidermal tissue system, second is the ground tissue system, and third one is the vascular tissue system. So, we'll write here group of cells is known as tissue and group of tissues together forms tissue system. Now, on the basis of structure and location, they can be of three types. So, we'll write here on the basis of structure and location, tissue system can be of three types. Now, what are these three types? First one is the epidermal tissue system. Second one is the ground tissue system. And third one is the vascular tissue system. तो यहां हमने क्या बात करी? We have talked about the tissue. Group of cells मिलकर क्या बनाते हैं? Tissue. And group of tissues मिलकर क्या बनाते हैं? Tissue system. Which works as a unit to perform a common function. Clear? Now, on the basis of structure and location, जो tissue system है, वो तीन तरीके का हो सकता है. सबसे पहला है, that is the epidermal tissue system. Second is the ground tissue system and third one is the vascular tissue system. जब हम बात करते हैं epidermal tissue system की, तो it is derived from the protoderm. Haberland ने on the basis of function, जो apical meristem है, उसको तीन regions में divide किया था. सबसे पहला होता है protoderm, जो कि बनाएगा epidermal tissue system. Second होता है ground meristem, जो कि बनाएगा ground tissue system. And third होता है प्रोकैम्बियम जो कि बनाएगा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. तो यहां हम कह सकते हैं कि हैबरलैंड डिवाइडेड एपिकल मेरिस्टेम इनटू थ्री रीजन्स ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन. ये थ्री रीजन्स कौन से हैं? एक तो है प्रोटोडर्म, देन सेकेंड वन इज द ग्राउंड मेरिस्टेम एंड थर्ड वन इज द प्रोकैम्बियम. क्लियर? तो यहां पर जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय प्रोटोडर्म. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय ग्राउंड मेरिस्टेम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय प्रोकैम्बियम.
तो अभी तो हमने बात करी कि स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बेसिस पे हम टिश्यू सिस्टम को तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ द एपिडर्मिस, स्टोमेटा, क्यूटिकल, रूट हेयर एंड स्टेम हेयर. स्टेम हेयर को हम ट्राइकोम्स के नाम से भी जानते हैं. देन वेस्क्युलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, दैट इज द जाइलम एंड द फ्लोएम. देन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होगा, इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट द एपिडर्मिस एंड द वेस्कुलर बंडल्स. नाउ हैबरलैंड डिवाइडेड द एपिकल मेरिस्टेम इनटू थ्री रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म. इट वॉज प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम. प्रोटोडर्म जो है ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. ग्राउंड मेरिस्टेम फॉर्म्स द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड प्रोकैम्बियम फॉर्म्स अ वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम. सो नाउ विल स्टडी इन डिटेल दीज टिश्यू सिस्टम्स वन बाय वन. सबसे पहले अपन देखेंगे डिटेल में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एपिडर्मिस, स्टोमेटा, क्यूटिकल, देन एपिडर्मल अपेंडेजेस, दैट इज द रूट हेयर एंड द स्टेम हेयर, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइकोम्स. सो विल राइट हेयर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस, स्टोमेटा, क्यूटिकल एंड एपिडर्मल अपेंडिजेस, दैट इज रूट हेयर एंड स्टेम हेयर, also known as trichome. So सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द एपिडर्मिस. तो जो सबसे पहला अपन हेडिंग डालेंगे, दैट इज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस जो होता है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर. आउटर मोस्ट होती है जनरली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन एंड जनरली इट इज सिंगल लेयर्ड. इसके जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं एंड दे आर कॉम्पैक्टली प्लेस, बिल्कुल पास पास प्लेस्ड होंगे. लार्ज वैक्यूल देखने को मिलता है एंड पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियाई. तो यहाँ हम लिखेंगे इट इज आउटर मोस्ट सिंगल लेयर protective in function consist of elongated cells that are compactly placed with large vacuole and peripheral cytoplasm and nuclei. Clear? तो ये तो epidermal cells की characteristic हो गई कि this epidermis consists of outermost layer, single layered होती है generally, protective in function होगी, elongated cells होते हैं that are compactly placed with large vacuole and peripheral cytoplasm and न्यूक्लियाई. अब इन एपिडर्मल सेल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, इन ग्रासेस दैट इज मोनोकॉर्ड्स, सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स
of leaf that is of adaxial surface becomes large, colorless and vacuolated . These are called as bulliform cells that helps in rolling off leaves during water scarcity. This is very very important point. ये नीट में भी आ चुका है question, so you have to remember this. जो grasses हैं या monocots हैं उनके अंदर जो कुछ epidermal cells हैं ऊपर की तरफ यानी adaxial surface पे, वो क्या हो जाते हैं, they become large, colorless and vacuolated, यानी कि इनके अंदर vacuole देखने को मिलेगा and they help in the rolling of the leaves during the water scarcity. इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं, विच आर द स्पेशलिटी ऑफ द मोनोकॉट्स. एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑर्किड वेंडा के अंदर किस टाइप की रूट्स मिल रही थी, हैंगिंग रूट्स देखने को मिल रही थी, जो कि अपन ने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी ऑफ द रूट में. सो वहाँ हैंगिंग रूट्स देखने को मिलती हैं और ये हैंगिंग रूट्स जो होती हैं इनका जो एपिडर्मल सेल्स हैं उसमें विलामेंट टिश्यू मौजूद रहता है विच इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट विल राइट हियर इज इन ऑर्किड वेंडा एपिडर्मल सेल्स फॉर्म्स विलामेंट टिश्यू दैट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. यहाँ पर मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस होती है विच इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर दैट अब्सॉर्ब्स द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोसफेयर. सो दिस यू विल हैव टू रिमेंबर अबाउट द एपिडर्मिस. एक तो आउटर मोस्ट है, सिंगल लेयर्ड है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, इलोंगेटेड सेल्स दैट आर कॉम्पैक्टली प्लेस्ड, लार्ज वैक्यूल, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई. ग्रासेस की हम बात करें तो मोनोकॉट्स के अंदर जो कुछ एपिडर्मल सेल्स हैं वो एडैक्सियल सरफेस पे लार्ज हो जाएंगे, कलरलेस हो जाएंगे, वैक्यूलेटेड होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बुलेफॉर्म सेल्स, एंड दे हेल्प इन द रोलिंग ऑफ द लीव्स ड्यूरिंग द स्केसिटी ऑफ वाटर. ऑर्किड वेंडा के अंदर जो लैमन टिश्यू मौजूद होता है विच इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. नेक्स्ट आफ्टर द एपिडर्मिस नाउ विल स्टडी अबाउट द क्यूटिकल. इट इज़ अ वैक्सी कवरिंग ओवर द एपिडर्मल सेल्स एंड इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर. लॉस ऑफ वाटर को ये प्रिवेंट करता है एंड इट इज़ एब्सेंट इन द केस ऑफ द रूट्स एंड द सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स. तो यहाँ अपन लिखेंगे इट इज़ द वैक्सी कोटिंग over the epidermal cells prevents loss of water more in xerophytes. Xerophytes जो होते हैं generally स्केयरसिटी ऑफ वाटर में ग्रो होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो वैक्सी कोटिंग होती है वो देखने को मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ क्यूटिकल एंड एब्सेंट इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स. सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स कौन से हैं, वो हाइड्रोफाइट्स जो कि पूरी तरह पानी में डूबे हुए रहते हैं, जो पूरी तरह पानी में डूबे हुए रहते हैं. हाइड्रोफाइट्स मतलब एक्वेटिक प्लांट्स, सबमर्ज मतलब जो पूरी तरह पानी के अंदर पाए जाएंगे एंड इट इज़ ऑल्सो एब्सेंट इन द रूट्स.
रूट के अंदर भी क्यूटिकल नहीं मिलती है। तो क्यूटिकल क्या है, वैक्सी कोटिंग है ओवर द एपिडर्मल सेल्स, इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, जीरोफाइट्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है, सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स और रूट्स के अंदर ये क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। आफ्टर क्यूटिकल हम बात करते हैं स्टोमेटा की। तो स्टोमेटा क्या है, दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन लीफ एपिडर्मिस, लीफ के एपिडर्मिस पे ये मौजूद होते हैं। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये दो मेन फंक्शन परफॉर्म करेगा, दैट इज दे रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैशियस एक्सचेंज। सो विल राइट हियर रेगुलेट the process of transpiration. What is transpiration? It is the loss of water in the form of water vapor. Water vapor के रूप में जो water का loss होता है उसको हम क्या कहते हैं, transpiration. So it regulate the process of transpiration and gaseous exchange. Clear? अगर हम स्टोमा की बात करें तो ईच स्टोमा कंसिस्ट ऑफ द टू गार्ड सेल्स, दो गार्ड सेल्स का बना होता है जो कि स्टोमेटल अपर्चर को कवर करे हुए रहते हैं। सो विल राइट हियर ईच स्टोमा कंसिस्ट ऑफ टू गार्ड सेल्स which possess chloroplast. They are surrounded by epidermal cells that are specialized इन शेप एंड साइज, और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज सब्सिडरी सेल्स। क्लियर? तो अगर अपन इसका स्ट्रक्चर देखें तो सपोज हम यहाँ बना रहे हैं डायकॉट का स्ट्रक्चर और एक साइड हम बनाएंगे मोनोकॉट का स्ट्रक्चर। तो डायकॉट के केस में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स किसको सराउंड कर रहे हैं, स्टोमेटल पोर को। सो दिस इज द स्टोमेटल पोर, दीज आर द टू गार्ड सेल्स। यहाँ पर जो गार्ड सेल्स होते हैं डायकॉट्स में वो क्या होते हैं, किडनी शेप्ड या रेनी फॉर्म। इनकी जो अंदर वाली जो लेयर है ये वाली, इट इज थिक, बेरेरिया इज द आउटर layer is thin like this. क्या इसके अंदर radial microfibrils भी देखने को मिलेंगे which help in the opening of the stomata. Now इनको जो surround करते हैं वो करेंगे cells which are specialized in shape and size and these cells are known as the subsidiary cells. और इन subsidiary cells वो जो सराउंड करते हैं दे आर द एपिडर्मल सेल्स। क्लियर? तो ये तो हो गए बाहर वाले, दीज आर द एपिडर्मल सेल्स, ये है सब्सिडरी सेल, ये है गार्ड सेल एंड दिस इज द स्टोमेटल पोर। क्लियर? नाउ अब अपन मोनोकॉट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो गार्ड सेल्स होते हैं दे आर डंबल शेप्ड लाइक दिस। आप जिम में जाते हैं तो जिम में डंबल्स देखने को मिलते हैं फॉर वर्कआउट, तो ये उसी शेप के देखने को मिलेंगे लाइक दैट ऑफ द डंबल।
इनकी खासियत है। डाइकॉट्स के अंदर जो गार्ड सेल होंगे वो किडनी शेप्ड है या रेनी फॉर्म है, और मोनोकॉट्स के अंदर जो गार्ड सेल्स होंगे दे आर डम्बल शेप्ड। सो दीज आर डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स। तो ये तो हो गए गार्ड सेल्स। फिर ये हैं सब्सिडरी सेल्स, सो दीज आर द सब्सिडरी सेल्स, एंड इनको सराउंड करते हुए जो मिलेंगे दोज आर द एपिडर्मल सेल्स। सो दिस इज द एपिडर्मल सेल एंड दिस रिप्रेजेंट द स्टोमेटल पोर। क्लियर? तो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस आएगा दैट इज इन इट डाइकॉट में गार्ड सेल जो होते हैं दे आर रेनी फॉर्म और किडनी शेप्ड, जबकि इस केस में जो गार्ड सेल्स हैं दे आर डंबल शेप्ड। क्लियर? तो ये आपको बेसिक डिफरेंस याद रखना है बिटवीन द डाइकॉट एंड द मोनोकॉट स्टोमेटल स्ट्रक्चर। सो ये पूरा जो अपैरेटस है यानी कि जिसके अंदर गार्ड सेल्स भी आ रहे हैं, स्टोमेटल पोर भी आ रहा है, सब्सिडरी सेल्स भी आ रहे हैं, सराउंडिंग एपिडर्मल सेल्स भी आ रहे हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं? स्टोमेटल अपैरेटस। तो स्टोमेटल अपैरेटस के अंदर क्या देखने को मिलेगा? इट कंसिस्ट ऑफ द टू गार्ड सेल्स विच पोजेस द क्लोरोप्लास्ट एंड इट इनक्लोजेस द, ये किसको इनक्लोज कर रहा है? इट इनक्लोजेस स्टोमेटल अपर्चर। स्टोमेटल अपर्चर को इनक्लोज कर रहा है एंड दे आर सराउंडेड बाय एपिडर्मल सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड इन शेप एंड साइज, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सब्सिडरी सेल्स। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। देन अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर, गार्ड सेल्स जो होते हैं डाइकॉट्स के अंदर रेनीफॉर्म या किडनी शेप होंगे और मोनोकॉट्स के अंदर दे विल बी डम्बल शेप्ड। क्लियर? तो हमने बात करी है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्यूटिकल की। क्यूटिकल क्या है? वैक्सी कोटिंग है ओवर द एपिडर्मल सेल्स, इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर, जीरोफाइट्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है एंड एब्सेंट इन द केस ऑफ सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स एंड द रूट्स। स्टोमेटा क्या है? दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लीफ एपिडर्मिस। काम क्या है इनका? रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैशियस एक्सचेंज। स्टोमेटल अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ द गार्ड सेल्स विच इनक्लोजेस द स्टोमेटल अपर्चर एंड द सराउंडिंग स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स ऑल्सो नोन एज द सब्सिडरी सेल्स। वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि डाइकॉट्स के अंदर जो गार्ड सेल्स होते हैं वो रेनीफॉर्म या किडनी शेप्ड होते हैं एंड मोनोकॉट्स के अंदर जो गार्ड सेल्स होते हैं दे आर डम्बल शेप्ड, और ये जो गार्ड सेल्स होते हैं दे विल पोजेस द क्लोरोप्लास्ट। So that was all about the cuticle and the stomata. अब epidermal tissue system में अभी तक अपन ने पढ़ लिया है about the epidermis, the cuticle and the stomata. Now we'll study about the root hair and the trichomes which are also known as the stem hair. So we'll write here root hair and trichomes. Root hair के जब हम बात करते हैं तो they are unicellular elongations of the epidermal cells. So we'll write here they are unicellular elongations of epidermal cells. आपको याद है मैंने बताया था कि रूट हेयर कौन सी जोन में मिलता है रूट की? वी हैव स्टडीड दिस इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द रूट इन द मैच्योरेशन जोन। सो विल राइट हेयर रूट हेयर प्रेजेंट इन
maturation zone. Then it helps to absorb water and minerals from the soil. इसके अलावा इट सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. क्लियर? सो दैट वॉज ऑल अबाउट द रूट हेयर. अब हम बात करते हैं ट्राइकोम्स की. ट्राइकोम्स बेसिकली क्या है? स्टेम हेयर. जनरली जो ये होते हैं दे आर मल्टी सेल्यूलर. तो विल राइट हेयर, जनरली ये क्या होंगे? मल्टी सेल्यूलर. दे कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो या अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं. सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ यानी हार्ड भी हो सकते हैं. सो विल राइट हेयर सॉफ्ट और स्टिफ. देन यूजुअली ये होते हैं सेक्रेटरी इन फंक्शन, यानी सेक्रीशन करते हैं किसी सब्सटेंस का. सो यूजुअली सेक्रेटरी इन फंक्शन एंड दे प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. तो यहां हमने क्या पढ़ा? वी हैव स्टडीड अबाउट द रूट हेयर एंड द स्टेम हेयर. रूट हेयर कैसे होंगे? दे विल बी यूनिसेल्युलर एलोंगेशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल. यूनिसेल्युलर होते हैं हमेशा. रूट हेयर जो होगा वो कौन सी जोन में देखने को मिलता है? मैचुरेशन जोन में. इट हेल्प्स टू अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. और रूट हेयर की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोस एंड पेक्टिन की बनी होती है. नाउ विल टॉक अबाउट द ट्राइकोम्स, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेम हेयर भी कहते हैं. जनरली इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और किस टाइप से पूछे जाएंगे? कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ट्राइकोम. या ऐसे पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ट्राइकोम और द स्टेम हेयर. सो यू विल हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. अब इसमें क्या दिया है कि जनरली तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं. जनरली सेक्रेटरी होंगे ये फंक्शन में. और ये क्या करते हैं? दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस ऑफ वाटर हो रहा है उसको ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं. तो ये अपना हो गया है कंप्लीट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को कौन बना रहा है? प्रोटोडर्म. इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? एपिडर्मिस, क्यूटिकल, स्टोमेटा, रूट हेयर एंड स्टेम हेयर. नाउ विल स्टार्ट विद द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. नाउ आफ्टर द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम विल स्टडी अबाउट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट द एपिडर्मिस एंड द वेस्कुलर बंडल्स. एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल्स को छोड़कर जितने भी टिश्यूज हैं वो किसमें इंक्लूडेड रहेंगे? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में. इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज. किसका बना होता है? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ एंड द मेड्यूलरी रेस. अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है इट विल बी फॉर्म बाय द मेसोफिल विच आर थिन वॉल्ड सेल्स विच कंसिस्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. तो यहां हम लिखेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में इट इज फॉर्म्ड बाय ग्राउंड मेरिस्टेम
consist of all tissues except epidermis and वेस्कुलर बंडल्स. वेस्कुलर बंडल्स और एपिडर्मिस को छोड़कर जितने भी टिश्यूज़ हैं वो किस में इंक्लूडेड रहेंगे? इन द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. तो इट कंसिस्ट ऑफ हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, मेड्यूलरी रेस एंड पिथ. क्लियर? एंड अगर हम बात करते हैं लीफ की, तो इन लीफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मीजोफिल. मीजोफिल क्या है? थिन वॉल सेल्स हैं विथ क्लोरोप्लास्ट. एंड ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल टिश्यूज लाइक पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. याद है मैं पढ़ा चुकी हूँ ये. पैरेन्काइमा इज द बेसिक फंडामेंटल टिश्यू, कॉलेनकाइमा इज द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू एंड स्क्लेरेनकाइमा इज द डेड मैकेनिकल टिश्यू. सो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है ये लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम है एंड इट इज द फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम. तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्राउंड मेरिस्टेम. इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट द एपिडर्मिस एंड द वेस्कुलर बंडल्स. क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा? हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेड्यूलरी रेज एंड पिथ. लीफ के अंदर जो मिलता है पर्टिकुलरली वो मिलेगा मीजोफिल टिश्यू. सो इन लीफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द मीजोफिल विच कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल सेल्स विद क्लोरोप्लास्ट. सो यहाँ पर जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होगा वो मेनली किससे कंपोज होता है? इट इज कंपोज ऑफ द सिंपल टिश्यूज लाइक पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. नाउ विल स्टडी अबाउट द वेस्क्युलर टिश्यू सिस्टम. अभी तक अपन पढ़ चुके हैं अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. अब हम बात करेंगे अबाउट द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम. वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होगा इट कंसिस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज दैट इज द जाइलम एंड द फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम एक साथ मिलकर बनाते हैं वेस्कुलर बंडल. सो विल राइट हियर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम consist of complex tissues that is xylem and phloem. Xylem and phloem together constitutes वेस्क्युलर बंडल. क्लियर? नाउ वेस्क्युलर बंडल ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. तो सबसे पहले अपन लिखेंगे वेस्क्युलर बंडल नाउ वेस्क्युलर बंडल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. They can be radial, they can be conjoint,
और दे कैन बी कॉन्सेंट्रिक. सबसे पहले हम बात करें रेडियल वेस्कुलर बंडल की. रेडियल वेस्कुलर बंडल के अंदर जो है जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पर मौजूद होंगे, दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियाई. सो यहां पर जो डायग्राम देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा. दिस इज द जाइलम. एंड दिस इज द फ्लोएम. तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोएम को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है जाइलम को. जाइलम में भी अगर आप देखें तो जो अर्ली फॉर्म्ड जाइलम है यानी प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की तरफ देखने को मिलेगा और मेटाजाइलम जो है वो अंदर की तरफ देखने को मिलेगा जो कि बाद में बनता है. प्रोटोजाइलम इज फॉर्म्ड अर्लियर, मेटाजाइलम इज फॉर्म्ड लेटर ऑन. सो यहां पर सबसे पहले तो अपन लिखेंगे कि जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियाए, अलग अलग रेडियाए पर मौजूद होते हैं. दूसरा आपको ध्यान रखना है जाइलम यहां पर एग्जैक्ट कंडीशन शो कर रहा है. एग्जैक्ट कंडीशन का मतलब यह है कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है. सो विल राइट हियर जाइलम क्या शो कर रहा है, एग्जैक्ट कंडीशन. क्लियर. नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि यहां पर ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट जो होगा जाइलम का वो कैसा होगा. इट विल बी सेंट्रिपिटल, क्योंकि आप देख सकते हैं अर्ली फॉर्म जाइलम बाहर की तरफ है, लेटर फॉर्म जाइलम अंदर की तरफ देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स द सेंटर. तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट जो हो रहा है वो बाहर से अंदर की ओर हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइलम क्या होगा, सेंट्रिपेटल. और इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रूट्स, इट इज़ फाउंड इन द रूट्स. तो रूट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, रूट्स के अंदर पाया जाता है रेडियल वेस्कुलर बंडल्स वेयर जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट रेडियाए. जाइलम शो एग्जैक्ट कंडीशन एंड द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइलम विल बी सेंट्रिपिटल. अब हम नेक्स्ट वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं, दैट इज द कॉन्जॉइंट. कॉन्जॉइंट में जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियाए इन द सेम वेस्कुलर बंडल. नाउ ये भी जो होगा तीन टाइप का देखने को मिलता है. यहां पर पहले अपन लिख देते हैं जाइलम एंड फ्लोएम ऑन सेम रेडियाई. नाउ यहाँ ये डिफरेंट टाइप के मिल रहे हैं. सबसे पहला मैंने जो बनाया है दिस इज कॉन्जॉइंट कोलैटरल. कोलैटरल तो है लेकिन ये क्लोज्ड है. ये कोलैटरल तो है लेकिन ये ओपन है. एंड दिस इज बाय कोलैटरल एंड ओपन. क्लियर. अब यहाँ अगर हम देखें
कॉन्जॉइंट कोलैटरल को, तो यहां पर क्या मिलेगा, बाहर की तरफ देखने को मिलेगा फ्लोएम एंड अंदर की तरफ देखने को मिलेगा जाइलम, लाइक दिस. दिस इज फ्लोएम एंड दिस इज जाइलम. यहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट है. कैम्बियम जहाँ मौजूद होती है वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी और उस टाइप के वेस्कुलर बंडल को हम क्या कहेंगे, ओपन वेस्कुलर बंडल. लेकिन जहाँ कैम्बियम एब्सेंट है उस टाइप का वेस्कुलर बंडल कहलाता है क्लोज्ड, बिकॉज इट इज क्लोज्ड फॉर सेकेंडरी ग्रोथ. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कोलैटरल तो है, कॉन्जॉइंट है, कोलैटरल है, लेकिन क्लोज्ड है. क्लोज्ड फॉर वॉट? क्लोज्ड फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, बिकॉज देयर इज नो कैम्बियम. कैम्बियम किस में हेल्प करता है? सेकेंडरी ग्रोथ में. ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि कैम्बियम नहीं है तो ये कैसा है, कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल. तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैम्बियम एब्सेंट, तो देयर विल बी नो सेकेंडरी ग्रोथ. क्लियर? नेक्स्ट हम देखें कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैम्बियम देखने को मिल रहा है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज द कैम्बियम. क्लियर? अब इसमें भी बाहर की तरफ बाकी सारा अरेंजमेंट सेम मिल रहा है. बाहर की तरफ क्या है, फ्लोएम है, और अंदर की तरफ क्या है, जाइलम है. ठीक है, ये फ्लोएम हो गया और ये जाइलम हो गया, लेकिन यहाँ कैम्बियम नहीं है इसलिए ये क्या है, क्लोज. क्लोज फॉर सेकेंडरी ग्रोथ बिकॉज देयर इज नो कैम्बियम. यहाँ क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट है, ये कैम्बियम मिल रहा है इसलिए इट विल बी ओपन, ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ. तो यहाँ हम लिखेंगे कैम्बियम प्रेजेंट, तो सेकेंडरी ग्रोथ भी क्या होगी, प्रेजेंट. नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्जॉइंट बायकोलैटरल ओपन वेस्कुलर बंडल. तो यहां पर दोनों तरफ बाहर की तरफ और अंदर की तरफ क्या देखने को मिलता है, फ्लोएम, और बीच में देखने को मिलेगा जाइलम. सो दिस इज जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम. बाहर की तरफ भी देखने को मिलेगा फ्लोएम और अंदर की तरफ भी देखने को मिलेगा फ्लोएम. तो इसे हम क्या कहते हैं, बायकोलैटरल ओपन वेस्कुलर बंडल. क्लियर? अब हम जब बात करते हैं किसकी, कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड की, तो ये कहाँ देखने को मिलता है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं वो आपको लिखने हैं. तो एग्जांपल्स में हम लिखेंगे कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं इन द केस ऑफ स्टेम एंड लीफ. स्टेम और लीफ के केस में देखने को मिलेंगे. क्लियर? जब हम बात करें कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन वेस्कुलर बंडल तो ये किस में देखने को मिलेगा, दिस इज फाउंड इन द केस ऑफ स्टेम, डाइकॉट स्टेम एंड जिम्नोस्पर्म. ये देखने को मिलेगा मोनोकॉट स्टेम में. इसको और स्पेसिफाई कर देते हैं अपन, मोनोकॉट स्टेम में, क्योंकि मोनोकॉट स्टेम के अंदर जो है कैम्बियम नहीं मिलता है इसलिए क्या होगा, यहाँ पर क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होगा. लेकिन डाइकॉट स्टेम में और जिम्नोस्पर्म में क्या देखने को मिलेगा, ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल. तो यहाँ पर अपन लिखेंगे डाइकॉट स्टेम एंड जिम्नोस्पर्म. क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं बायकोलैटरल ओपन वेस्कुलर बंडल की, ये किसके अंदर देखने को मिलता है, इट इज फाउंड इन द केस ऑफ कुकुरबिट स्टेम. तो ये एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं. रेडियल वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे रूट में, देन कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज देखने को मिलेंगे मोनोकॉट स्टेम और लीफ में, कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन देखने को मिलेंगे डाइकॉट स्टेम और जिम्नोस्पर्म में, कॉन्जॉइंट बायकोलैटरल ओपन वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे इन द केस ऑफ कुकुरबिट स्टेम. इसमें दो कैम्बियम है, बाहर की तरफ भी है अंदर की तरफ है. ठीक है, तो यहाँ पर केवल बाहर की तरफ वाली जो होती है वो फंक्शनल
रहती है. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, रूट के अंदर तो जाइलम कैसा था? एग्जार्क. लेकिन स्टेम के अंदर जो जाइलम होगा वो कैसा होगा? एंडार्क होगा. ठीक है, एंडार्क कंडीशन देखने को मिलती है. तो यहाँ मैं अलग से लिख देती हूँ, जाइलम इन स्टेम कैसा होगा? एंडार्क. एंडार्क का मतलब क्या होगा कि अंदर की तरफ मिलता है प्रोटोजाइलम और बाहर की तरफ मिलता है मेटाजाइलम. तो कुछ ऐसी सी कंडीशन देखने को मिलेगी. ठीक है, तो बाहर की तरफ तो क्या है, देयर इज प्रेजेंट द मेटाजाइलम, और अंदर की तरफ क्या देखने को मिलेगा? प्रोटोजाइलम. क्लियर? और इधर जो ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट होगा जाइलम का, ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइलम वो क्या होगा? अंदर से बाहर की ओर, क्योंकि मेटाजाइलम बाद में बनेगा, प्रोटोजाइलम पहले बनेगा. तो यहां पर होगा सेंट्रीफ्यूगल, इट विल बी सेंट्रीफ्यूगल. एग्जैक्ट कंडीशन में कैसा था? सेंट्रीपिटल. और एंडार्क कंडीशन में कैसा है? सेंट्रीफ्यूगल. दिस यू विल हैव टू रिमेंबर. तो अपन ने पढ़ा रेडियल वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, अब अपन पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल. कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल में या तो जाइलम सेंटर में होता है सराउंडिंग बाय द फ्लोएम, और फ्लोएम सेंटर में होगा सराउंडेड बाय द जाइलम. तो यहां हम लिखेंगे जाइलम सराउंड्स फ्लोएम, और फ्लोएम सराउंड जाइलम. तो यहां पर भी दो कंडीशंस देखने को मिलती हैं. एक होती है एम्फी वेसल, इसमें एग्जाम्पल आता है ड्रेसिना और यूका का. एक होती है एम्फी क्राइब्रल, इसमें एग्जाम्पल आता है फर्न राइजोम का. यहां पर क्या होगा, एम्फी वेसल में तो फ्लोएम सेंटर में मिलता है एंड जाइलम पेरिफेरी पर मिलेगा लाइक दिस, और एम्फी क्राइब्रल में जाइलम सेंटर में मिलेगा और फ्लोएम पेरिफेरी पर देखने को मिलेगा. तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द जाइलम and this is representing the phloem. तो एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं. अपन ने वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या क्या पढ़ा है. वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ द जाइलम एंड द फ्लोएम विच आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. जाइलम और फ्लोएम एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट द वेस्कुलर बंडल. वेस्कुलर बंडल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. सबसे पहला जो अपन ने देखा है दैट इज द रेडियल वेस्कुलर बंडल, जो कि किसका कैरेक्टरिस्टिक है, रूट का. यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट रेडियाई, अलग अलग रेडियाई पर देखने को मिलेंगे. एंड जाइलम रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट कंडीशन, यानी प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ देखने को मिलता है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ देखने को मिलेगा. यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट है जाइलम का वो क्या होगा, सेंट्रिपिटल होगा. नेक्स्ट हमने बात करी अबाउट द कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल. कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियाई. नाउ यहाँ पर तीन कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं. पहला जो है कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल. कॉन्जॉइंट कोलैटरल का मतलब होता है बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम. क्लोज्ड
अपन ने किसके रेफरेंस में बोला है, कैम्बियम के रेफरेंस में। यहाँ पर कैम्बियम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो इस टाइप का जो वेस्कुलर बंडल है वो क्या कहलाएगा, कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। इट इज़ फाउंड इन द केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम एंड द लीफ। सेकेंड हम बात करते हैं कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन वेस्कुलर बंडल। ये इसके अंदर क्या होगा, बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कैम्बियम भी मौजूद रहती है। क्योंकि कैम्बियम है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। ओपन इसलिए कहा है बिकॉज इट इज़ ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर। इट इज़ फाउंड इन द केस ऑफ डायकॉट स्टेम एंड जिम्नोस्पर्म। देन आता है बायकोलैटरल ओपन वेस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट है, बायकोलैटरल है, ओपन है, यानी जाइलम तो सेंटर में देखने को मिलता है और इसके दोनों साइड पे बाहर की तरफ और अंदर की तरफ देखने को मिलेगा फ्लोएम। यहाँ पर दो कैम्बियम रिंग्स देखने को मिलेंगी, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, और केवल बाहर वाली ही फंक्शनल होती है। इट इज़ फाउंड इन द केस ऑफ कुकुरबिट स्टेम। देन अपन देखेंगे कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल के अंदर या तो जाइलम सराउंड्स द फ्लोएम और फ्लोएम सराउंड्स द जाइलम। When xylem surrounds the phloem, then it is known as amphi vessel. It is seen in the case of Dracaena and Yucca. And when the phloem surrounds the xylem, then it is known as amphicribral. It is seen in the case of fern rhizome. एक चीज़ और ध्यान रखनी है, रूट के केस में कौन सी कंडीशन मौजूद है, एग्जाक कंडीशन, यानी प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ। क्लियर। जबकि स्टेम के अंदर क्या होगा, एंडार्क कंडीशन मौजूद होती है, यानी मेटाजाइलम बाहर की तरफ और प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एंडार्क कंडीशन। और यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट होगा जाइलम का वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो अपन ने इस लेक्चर में कंप्लीट करा है अबाउट द different type of the tissue system, that is the epidermal tissue system, ground tissue system and the vascular tissue system. In our next lecture, we'll continue with the anatomy of the root.